हाय बच्चे लोग, आज आप सभी लोगों का अगेन वेलकम हमारे सेल में। इसका नाम है क्या, द स्कॉलर सब। तो बच्चे लोग, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मली बात कर ली थी किसके बारे में। हम लोगों ने देखो शुरू करा था चैप्टर कौन सा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने उसमें दो टॉपिक डिस्कस करे थे। इसका पहले टॉपिक का नाम था माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट और साथ साथ में माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। उनमें क्या उनका वेलफेयर था, नॉर्मली हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ डिस्कशन कर लिया था वहां पर, ठीक है। लेकिन हमने पिछली बार ये बोल के गए थे कि अगले लेक्चर में, क्योंकि हमने कहा था ये दो शॉर्ट में चैप्टर खत्म होने वाला, तो एक शॉर्ट आपका हो चुका है, अगला शॉर्ट ये है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो नॉर्मली हम लोग यही बात करेंगे, ठीक है। पहली बात तो बात कर ले सीवेज क्या होता है। शुरुआत करने से पहले बेसिक तो हमें पता ही होना चाहिए। तो सीवेज क्या होता है भैया, जो आपके घर से जो नाली नाला जो निकल रहा होता है, अब नाली नाला है या साइज देख के उसका पता लगा लेना कि नाली है कि नाला है, तो उसमें जो वेस्ट वाटर जा रहा होता है वही कहलाता है क्या, सीवेज, ठीक है। क्या कहलाता है, निकासी इसको कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वही क्या, वो पानी जो होता है, मतलब म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो होगा वही कहलाएगा क्या, सीवेज। अब हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत क्या पड़ी और माइक्रोब्स का क्या रोल है, क्योंकि टॉपिक तो हमारा यही चल रहा है ना। तो अब देखो सीवेज ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट हमको इसलिए होती है कि जो हमारे घर से निकल रहा सीवेज होता है वो कहाँ जाके फाइनली मिलता है, वो जाकर फाइनली इन वाटर बॉडीज में मिलता है जो हमारे घर के आसपास नदी है, नॉर्मली उसी में जाकर मिलेगा जाकर, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या हुई करने की, रिक्वायरमेंट यह है क्योंकि जो भी सीवेज जा रहा होगा उस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद होगा और साथ साथ में माइक्रोब्स भी मौजूद होंगे। ये दोनों हार्मफुल भी हो सकते हैं, किसके लिए, उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि उन वाटर बॉडीज में, मतलब उस नदी नदी में जो नॉर्मली रह रहे हैं। तो उनके मतलब पॉपुलेशन को कोई हार्म ना हो, उन पे कोई नुकसान ना हो, उसके लिए ही हमको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, इस सीवेज ट्रीटमेंट की। तो उनमें अब माइक्रोब्स का रोल है, तो हम लोग बात कर लेंगे क्या, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। चलो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा हुआ यहाँ पर व्हाट इज सीवेज, ठीक है, यहाँ पर भैया सीवेज लिख रखा है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट होता है, जो म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट होता है उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं भैया सीवेज, ठीक है। अब देखो सीवेज में कंटेंट्स क्या क्या, नॉर्मली हमने बोल दिया पहले कि ऑर्गेनिक मैटर भी होता है उसमें, साथ साथ में माइक्रोब्स भी होते हैं, तो ये बात हमारी पुरानी हो चुकी थी, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो सीवेज को ट्रीट करने के लिए कुछ प्लांट बनाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट का मतलब ये नहीं है कि वहां आम का प्लांट लगा दिया या पीपल का लगा दिया, प्लांट का मतलब होता है कोई सेटअप। प्लांट का मतलब क्या होता है, कोई सेटअप जहां पर सीरियल वाइज चीजों को मतलब एक तरह से असेंबली लाइन में गुजारा जा सके, दिस इज कॉल्ड प्लांट, ठीक है। तो एसटीपीज मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है। अब जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, आप अपने आपके घर के आसपास अगर कोई ये नदी नाला, मतलब नदियां हो नॉर्मली, ठीक है, और नदियों में आके नाला गिरता हो, मतलब निकासी उसमें आके खुलती है अगर, तो हो सकता हो कि आपके घर के आसपास कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हो, तो मन हो तो कभी जाकर वहां पर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमको ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि भैया जो वाटर है उसमें पोल्यूशन ना हो, टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग, इसको पल्यूट कम, पूरा पोल्यूशन खत्म नहीं कर सकते लेकिन हम पोल्यूशन कम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो दो स्टेजेस में हमको इसको लेके चलना है। अब यहाँ पर बड़ा सा डंडा लगा रखा है, उसमें लिखा रखा है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट भी होता है साथ साथ में सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है। अब अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो नॉर्मली फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है यही होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कैसा होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हम लोग एक एक को विधिवत नॉर्मल नॉर्मल स्टेप्स करके चलते चलेंगे, ठीक है, ताकि बात आपके समझ में आ जाए। और नीचे देख लो, ये नीचे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इधर वाला बना हुआ है, देखो उसमें नाला वाला आके खुल रहा है आके, ठीक है, देख रहे होगे कि क्या हालत है, ठीक है। जिम्मेदार हर कोई होता है, आप भी हो हम भी हो इसके लिए, ठीक है। अब देखो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात कर लेंगे हम लोग। नॉर्मली प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो जो भी नाला मतलब हमने इस प्लांट में इंटर कराया, क्योंकि नाले को जो नाला खुलना है सबसे पहले खुलना है उस नदी में जाकर, तो नदी में खुलने से पहले नॉर्मली हम क्या कर लेंगे, उसको एक प्लांट के अंदर इंटर करा लेंगे। तो प्लांट के अंदर इंटर जब कराया तो हमें करना क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है। पहली बात क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट। और हमने कहा था प्राइमरी ट्रीटमेंट नॉर्मली कैसा होता है, ये फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई भी बायोलॉजिकल या कोई भी केमिकल रूल नहीं होता है, नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल तरीके से हो जाता है। मतलब एक तरीका होगा, इसको बोल देंगे क्या, फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन, दो तरीके से हो जाएगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं भाई। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करें, इट इज अ फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब देखो फिजिकली क्या करेंगे, पार्टिकल जो भी उसमें पेबल्स वेबल्स होंगे, कंकड़ वंकड़ बड़े बड़े थर्माकोल बड़ी बड़ी पन्नियां, इन सबको छान के निकाल लिया जाए, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मतलब जो भी तैरता हुआ कूड़ा होगा, फ्लोटिंग डेब्रिस होगा, उसको सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करके हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट का देख रहे हो, तो देखो यहाँ पर ये जाल लगा रखा है, देख रहे हो, ये देखो ये जाल लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये गॉग लगी हुई है नॉर्मली यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जब ये लगी हुई है तो देखो इसमें से पीछे से आ रहा, देखो ये बड़ा बड़ा कूड़ा आ रहा था नहीं आ रहा था, और देखो छन गया, और छनने के बाद नॉर्मली जो छर्री अर्री छोटी छोटी बची होंगी, छोटे छोटे ईंटे कंकड़ बचे होंगे, सिर्फ वही देखो निकल के नीचे यहाँ पर आ पा रहे हैं, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन बड़ा बड़ा कूड़ा जो फ्लोटिंग डेब्रिस था वो हमने पहले ही छन लिया वहां पर, तो ये छन गया नहीं छन गया। तो वही कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस
बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो देखो पहले जाल लगाए, काफी सारे मतलब लगे, 3-4 तरीके के लग रखे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से नॉर्मली क्या कर लिया इन्होंने, फ्लोटिंग डेब्रिस को सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से भैया अलग कर लिया। आई बात नहीं आई बात क्लियर में? आई होप आपको ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का पहला स्टेप तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाते हैं। अब जो ये ग्रीट होती है, ग्रीट मतलब सॉइल पार्टिकल्स होते हैं और साथ साथ में जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, जैसे मोरंग औरंग में देखा होगा छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रिट बोलते हैं। सॉइल और स्मॉल पेबल्स को क्या कहते हैं, ग्रिट कहते हैं। अब ग्रिट को क्या करेंगे, एक चैम्बर में पास कर देंगे। देख रहे हो यहाँ पर ये चैम्बर बना है, इसको कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं ग्रिट चैम्बर। अब ग्रिट चैम्बर में जब ये गिरेगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मास है उसकी डेंसिटी, तो उसके ऊपर कोई ना कोई ग्रेविटी का असर तो होगा ही। तो अगर ग्रेविटी का असर होगा तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली नीचे आकर ये सेटल्ड हो जाएगा। तो नॉर्मली जब नीचे आकर ये सेटल्ड हुआ, तो सेटल्ड होके देखो ये नीचे पूरा आके ये मलबा पूरा नीचे बैठ गया, पूरा मलबा नीचे आके बैठ गया। तो ये बताओ कि अब ये अगर मलबा बैठ गया तो आगे के चैम्बर में सिर्फ और सिर्फ कीचड़ और पानी तो जाएगा, मतलब जो ये ग्रिट होगी वो क्या जाएगी, नहीं जाएगी। तो ये प्रोसेस कहलाता है क्या, सेडिमेंटेशन। क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन समझते हो ना, ठहराओ, ठहरा दिया जाए नीचे उसको, मतलब ढला दिया जाए, बैठा दिया जाए, कुछ भी आपके घर में मतलब निकाला जाता है उसका, लेकिन मतलब आपके समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन। ठीक है, आ जाते हैं। तो पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट, मतलब पहला हमारा जो फिजिकल ट्रीटमेंट या हमारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था वो हमने दिन दहाड़े खत्म कर लिया। ठीक है, आ जाते हैं अपने दूसरे ट्रीटमेंट पे। दूसरा ट्रीटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा ट्रीटमेंट कहला रहा है सेकेंडरी, ऐसी को कहते हैं क्या, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब जरा देखो, जब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करा गया तो वो जो पानी जो हमने अभी पीछे देखा था कि ये देखो सेडिमेंटेशन टैंक था, तो सेडिमेंटेशन टैंक में जो भी कीचड़ होगी वो भी देखो यहाँ पे सेटल्ड हो जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी यहाँ पर से जा पाएगा। तो अब जब ये पानी जा रहा है, ये पानी अब किसी और चैम्बर में पास करेंगे। ठीक है, अब जिस चैम्बर में पास करते हैं, जिस चैम्बर में पास करते हैं वही कहलाता है क्या, एरेशन टैंक। अब पहला होना एरेशन टैंक। ठीक है, और ये जो पहली कीचड़ जो निकल के आई, मतलब जो नॉर्मल गंदा पानी, कीचड़ का मतलब जो ढेर ढेर से कीचड़ होती है वो नीचे सेटल्ड हो गई थी, लेकिन अभी भी तो पानी गंदा होगा, काला मटेला, उसमें माइक्रोब्स भी होंगे। ठीक है, और साथ साथ में ऑर्गेनिक वेस्ट भी होगा, तो ये सब चीजें वहां पर मौजूद होंगी। तो उनको पास करेंगे कहां पर, एक टैंक में। उस टैंक का नाम क्या है, उस टैंक का नाम है एरेशन टैंक। क्या नाम है, एरेशन टैंक। एरेशन टैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि लगातार वहां पर नीचे से हवा पास कराई जा रही होती है, जम 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 हवा, ऑक्सीजन मेनली कह सकते हो, तो एयर ही पास कराएंगे तो मेनली उसमें ऑक्सीजन होगी। ठीक है, अब वो फ्लूड या वो वेस्ट जो था, जो सबसे पहले एरेशन टैंक में पास करा गया, वो कहलाता है प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या कहलाता है, प्राइमरी इफ्लुएंट। तो सवाल पूछा गया कि प्राइमरी इफ्लुएंट क्या होता है, तो भैया फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद जो कुछ भी कचड़ा वचड़ा पानी वाला गंदा पानी बचेगा, वो गंदा पानी जो एरेशन टैंक में जाएगा, वही पानी, वही कीचड़ कहलाती है क्या, प्राइमरी इफ्लुएंट। आई होप आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज प्राइमरी इफ्लुएंट। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को कहाँ पास कर दिया गया, बड़े बड़े एरेशन टैंक में पास कर दिया गया। ठीक है, तो आप ये सेकंड चार्ट में भी देख सकते हो कि एरेशन टैंक में बड़े बड़े होल बने हुए, देख रहे हो, देखो ये गोल गोल होल बने, तो यहाँ से एयर पास कराई जाती है। क्या कराई जाती है, एयर। तो ये देखो, ये नीचे एयर कंप्रेसर भी लग रखा है, तो एयर से पास कराई जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली ये तरीका होता है। ठीक है, अब पास करने के साथ साथ एयर लगातार उसमें कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड भी हो, एजिटेशन मतलब लगातार पानी को मिलाया भी जा रहा होगा और हवा भी पास कर रही है, मतलब पानी के मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास क्या, एयर के मॉलिक्यूल भी पहुंच जाए, मतलब ऑल ओवर मिक्सिंग हो जाए पूरी तरह से। इसीलिए यहाँ पर कॉन्स्टेंटली उसको एजिटेशन, जैसे कि आप लोग जब केमिस्ट्री लैब में नॉर्मली काम करते हो तो ऐसे 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 हिलाते भी रहते हो, कहता है कि नॉर्मली स्ट्रिंग करते रहना है ना, तो वही कहलाता है क्या, कॉन्स्टेंट एजिटेटेड या कॉन्स्टेंटली एजिटेशन कहलाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट एजिटेटेड अगर हो गया होगा वो पानी, वो प्राइमरी इफ्लुएंट जो कि आया है रेशन टैंक में, तो लगभग वहां पर पानी मिल चुका होगा। तो अब अगर पानी में हवा नॉर्मली मिल चुकी है तो उसमें मौजूद थे माइक्रोब्स। क्या मौजूद थे, माइक्रोब्स, और मेनली वो माइक्रोब्स जो एयर की मौजूदगी में अपना रिस्पायरेशन करेंगे वो कहलाएंगे क्या, एरोबिक माइक्रोब्स। क्या कहलाएंगे, एरोबिक माइक्रोब्स। तो भैया ये जो एरोबिक माइक्रोब्स नॉर्मली होंगे, तो इनकी अगर हम लोग कहानी देखें, अब जब हमने यहां पर एयर पास करी तो एयर पास करने से नॉर्मली क्या हो गया कि वहां पर एरोबिक माइक्रोब्स जल्दी जल्दी तेजी तेजी से क्या करने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि वहां पर जो एरेशन टैंक में हवा पास कराई गई, कहेंगे दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ द यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक्स। अब देखो ये फ्लॉक्स क्या आ गया, तो एरोबिक माइक्रोब्स तो ग्रो करा, ग्रो करके किसमें कन्वर्ट हुआ, फ्लॉक्स में। अब ये फ्लॉक्स क्या होता है, फ्लॉक्स कुछ नहीं होता, एक तरह का जाल होता है। मान लो कि हम नीचे छोटा सा डायग्राम देखो, मान लो ये बैक्टीरियाज हैं और ये बैक्टीरिया में ये फंगस भी आके मिल गई, बैक्टीरिया में क्या आ गई, ये फंगस भी आके मिल गई। तो फंगस और बैक्टीरिया का जो मेश लाइक स्ट्रक्चर, जो जाल नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसी को कहते हैं क्या, फ्लॉक।
मतलब बैक्टीरिया एसोसिएट हो जाए फंगल फिलामेंट के साथ और एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना ले, उसी को कहते हैं क्या, फ्लॉक्स। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो एरोबिक माइक्रोब्स लगातार ग्रो करे थे, क्योंकि यूजफुल है, क्योंकि अब इसका काम ही यहाँ पर, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि हम माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, तो ये फ्लॉक्स जो बन के वहां पर तैयार हुआ, ये फ्लॉक्स क्या होता है, ये बैक्टीरिया के साथ साथ जब फंगल फिलामेंट एसोसिएट होकर जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी को कहते हैं फ्लॉक्स। इतनी बात क्लियर। अब देखो ये जो माइक्रोब्स यहाँ पर मौजूद जो तैयार हुए हैं, अब ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, यानी दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। इफ्लुएंट वही जो तो प्राइमरी इफ्लुएंट जो आया था हमारा, ठीक है, जो कीचड़ आई थी उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी था, और ऑर्गेनिक मैटर जब हमने यहाँ पर ले आए एरेशन टैंक में, तो हमने माइक्रोब्स भी ग्रो करा लिए, फ्लॉक्स भी आ गया। अब जब ये फ्लॉक्स आ गए तो क्या करेगा, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको यहाँ पर कंज्यूम करेगा। तो अगर वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा, और हमने आपसे ये बात पहले करी कि वो माइक्रोब्स कैसा एरोबिक है, तो जब रिस्पायरेशन करेगा तो किसकी मौजूदगी में करेगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में करेगा कि नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि एरेशन टैंक में हवा इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि वो माइक्रोब्स कैसा है, एरोबिक, क्योंकि जब वो ऑक्सीडाइज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को तो उसको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, ऑक्सीजन की, होगी कि नहीं होगी। और वो ऑक्सीजन जो 1 लीटर इफ्लुएंट में, जो 1 लीटर इफ्लुएंट में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए माइक्रोब्स को रिक्वायर थी, वही कहलाती है क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहलाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक बार फिर से डेफिनेशन बोल दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि 1 लीटर इफ्लुएंट में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए एरोबिक माइक्रोब्स को जितनी भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, वही कहलाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो लिख रखा है यहाँ पर BOD। तो जाहिर सी बात है कि अगर उस इफ्लुएंट में मौजूद वो एरोबिक माइक्रोब्स लगातार ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे, तो उस इफ्लुएंट में ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब ये काम करेगा तो BOD कम हो जाएगी, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है नॉर्मली वहां पर मौजूद होगी, ठीक है। अब जब वो लगातार यूज करता गया करता गया करता गया करता गया, तो कभी कभी हमें ये भी देखने को मिलेगा कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था तो BOD भी ज्यादा लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि भैया जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करना है। क्लियर बात। तो अगर ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज होगा तो BOD की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, लेकिन जैसे 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 ये कम होता जाएगा, कौन, ऑर्गेनिक मैटर, वैसे वैसे BOD क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब BOD कम हो जाएगा तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ऑर्गेनिक मैटर भी क्या हो गया, कम हो गया, और ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया इसका मतलब वाटर में पॉल्यूशन भी क्या हो गया, कम हो गया। मतलब जब कभी भी BOD ज्यादा होगी इसका मतलब पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है, और जब कभी भी BOD कम होगा इसका मतलब क्या होगा, पानी कम पॉल्यूटेड है। तो नॉर्मली कहा गया करे ये माइक्रोब्स कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को जो कि इफ्लुएंट में मौजूद होगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, BOD कम हो जाएगी, लेकिन शुरुआत में BOD ज्यादा होगी अगर पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो BOD का यहां पर फुल फॉर्म लिख दिया है क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जो इफ्लुएंट में मौजूद होगी नॉर्मली। अब देखते हैं आगे, BOD के बाद देखो यहां पर इन्होंने जो भी हमने आपको डेफिनेशन बताई थी वही है कि BOD क्या होता है, कहते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन द 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर वाटर में मौजूद जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वही कहलाती है क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वॉट इज BOD। क्लियर बात। अब देखो कह लेंगे इट इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। देखो ये भी बात हम पहले कह चुके थे कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो ये BOD भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो BOD भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आपको ये बात तो क्लियर हो ही रही होगी जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि अगर BOD ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा ही होगा, इवेंचुअली ज्यादा ही होगा ना, और अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था तो पानी क्या था, पॉल्यूटेड था। तो आप नॉर्मली अल्टरनेटली ये कह सकते हो कि ज्यादा BOD वाटर भी ज्यादा पॉल्यूटेड, कम BOD वाटर भी कम पॉल्यूटेड। ओके, तो वाटर में पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए हम लोग BOD का अमाउंट चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो आप वहां पे जाके छानोगे नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर देख सकते हो कि आपने कितना यहाँ पर ऑक्सीजन दिया था, कितना BOD दिया था नॉर्मली, ठीक है। करेंगे द ग्रेटर द BOD मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। अगर BOD ज्यादा होगा तो वाटर का जो पॉल्यूशन पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब अगर BOD ज्यादा तो पोल्यूशन भी क्या होगा, वाटर में ज्यादा ही होगा। आई होप आपको ये बात तो इतनी समझ में आई गई होगी जो नॉर्मली हमने आपको समझाई, ठीक है।
अब देखो, अब जो ये इफ्लुएंट था, अब जो ये इफ्लुएंट था ठीक है, ये कहलाता है अब एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहलाता है? एक्टिवेटेड स्लज। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लॉक्स भी मौजूद है। अभी ऑर्गेनिक मैटर का सारा खत्म हो गया, ऑर्गेनिक मैटर सारा खत्म, अब ऑर्गेनिक मैटर सारा खत्म हो गया तो, लेकिन इसमें फ्लॉक तो अभी भी मौजूद है। फ्लॉक क्या था? हमने कहा था कि जब ये बैक्टीरिया के साथ साथ फंगल फिलामेंट मैश लाइक स्ट्रक्चर बना, जैसे वो कहते थे कि अब फ्लॉक कहते थे ठीक है, और वो और एरोबिक था नॉर्मली ठीक है। तो अब जो ये एफ्लुएंट बचा ठीक है, मतलब जब इसमें बीओडी नॉर्मली कम हो गई, ऑर्गेनिक मैटर सारा खत्म हो गया, तो हमने इस एफ्लुएंट को पास कर दिया एक सेटलिंग टैंक में। कहाँ पास कर दिया? सेटलिंग टैंक में। अब ये सेटलिंग टैंक क्या होता है? नॉर्मली सेटलिंग टैंक वो होता है जहां पर हम लोग इस फ्लॉक को क्या करते हैं, सेटल्ड कर लेते हैं ठीक है। और जो ये सेडिमेंट बन के आता है, जो नीचे ठहराव मतलब आता है, उसको कहते हैं क्या? एक्टिवेटेड स्लज। देखो जरा कि जो एरेशन टैंक था, ये देख रहे हो इधर वाला, देखो एरेशन टैंक था। तो एरेशन टैंक से क्या करा? एरेशन टैंक से हमने अब इस इफ्लुएंट को भेज दिया कहां पर? ये सेटलिंग टैंक में। देख रहे हो यहाँ पे सेटलिंग टैंक में आ गया। तो सेटलिंग टैंक में जब ये आया होगा तो फ्लॉक का अपना कुछ ना कुछ मास होगा, होगा कि नहीं होगा? तो उस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटी का असर होगा कि नहीं होगा? डेंसिटी ज्यादा होगी, पानी ज्यादा, तो नीचे जाके सेटल्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो नीचे जब जाके ये सेटल्ड हो गया, देख रहे हो नीचे ये फ्लॉक्स नीचे सेटल्ड हो गया, तो सेटल्ड होने के बाद ये कीचड़ नुमा हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। याद रहेगा ना कि एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, कि जो फ्लॉक होते हैं एरेशन टैंक से जब इनको पास करते हैं सेटलिंग टैंक में, तो वहां पर ये आके सेटल्ड हो जाते हैं। सेटल्ड होने के बाद जो ये बनता है वो कहलाता है क्या? वही कहलाता है एक्टिवेटेड स्लज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी ठीक है। लेकिन देखो अभी हमको एरेशन टैंक की रिक्वायरमेंट फिर से पड़ेगी, एरेशन टैंक हमें फिर से चाहिए होगा, क्योंकि अभी हमें फिर से भी तो पानी ट्रीट करना होगा। ऐसा तो नहीं कि आज ट्रीट कर लिया, साल भर का पानी ट्रीट हो गया। पानी तो रोज आता है ना नाली नालों में, रोज आप लोग रोज बहाते होंगे, हम भी रोज बहाते। तो एरेशन टैंक में अभी हमें रिक्वायरमेंट फिर से पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट अगर हमको फिर से पड़ेगी तो हमको ये माइक्रोब फिर से ग्रो कराना पड़ेंगे। तो फिर से ग्रो कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली इसे आपने अपने घर में देखा होगा कि जब आपकी मम्मा बाहर से दही लेकर आती हैं तो आप कहते हो कि थोड़ा सा दही बचा के रख लो। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रेश मिल्क में डालोगे तो फिर से दही बन जाएगा। तो वो जो दही का थोड़ा सा सैंपल था जो आपने ले रखा था फिर से दही बनाने के लिए, उसको कहते हैं क्या? इनोकुलम। क्या कहते हैं? इनोकुलम। तो वही सैंपल यहाँ पर भी इनोकुलम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मतलब जो एक्टिवेटेड स्लज है इसमें पहले से क्या मौजूद होगा? इसमें ये फ्लॉक्स मौजूद है, नहीं मौजूद है? तो इसको हम क्या कर ले? इसको उठाकर हम फिर से क्या एरेशन टैंक में नहीं डाल सकते? तो फिर से अगर एरेशन टैंक में डाल देंगे तो हमको ये माइक्रोब्स फिर से ज्यादा ग्रो नहीं कराना पड़ेंगे। नॉर्मली ये पहले से मौजूद थे और जैसे ही हम इसमें एयर पास कराएंगे तो ये फिर से ग्रो कर जाएंगे। कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे? तो वो थोड़ा सा थोड़ा सैंपल एक्टिविटीज स्लज का या फ्लॉक का जो हम एरेशन टैंक में डाल रहे हैं उसको क्या कह सकते हो? उसको आप इनोकुलम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हो? तो आई होप आपको बात समझ में आ गई कि एक्टिवेटेड स्लज जो हमने सेटल्ड करा था उसी से थोड़ा सा पार्ट हमने सैंपल ले लिया, इसको हमने इनोकुलम बोला, और वापस से उसको एरेशन टैंक में पास करा लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे नॉर्मल देख रहे हो कि एरेशन टैंक में हम फिर से ये इनोकुलम यहाँ पर लेकर आ गए ठीक है। तो अगर स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक, तो एरेशन टैंक में क्या कर दिया है? एरेशन टैंक में हमने ये एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट फिर से पंप बैक कर दिया। क्या कर दिया है? पंप बैक कर दिया है। किसकी तरह वो सर्व करेगा? वो सर्व करेगा किसकी तरह? इनोकुलम की तरह। तो इनोकुलम की तरह काम करेगा, ये हमने बता दिया। इनोकुलम इज जस्ट लाइक अ सैंपल जिसको हम लोग फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं उसी चीज को बनाने के लिए। तो ये क्या कहलाता है? क्या? इनोकुलम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बाकी ये नॉर्मली ओवरव्यू दे रखा है ठीक है। तो ओवरव्यू जब दे रखा है तो अभी और भी बातें आपको समझ में आने वाली है ठीक है। अभी हमने क्या कर लिया कि उस एक्टिवेटेड स्लज को हमने सेटलिंग टैंक में इस्तेमाल कर लिया ठीक है। जो सेटलिंग टैंक था वहां पर रख लिया। अब ये सेटलिंग टैंक से उठाकर इसको हम किसी अदर टैंक में भेजेंगे और उस अदर टैंक को बोलेंगे क्या? एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या बोलेंगे? एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो जो रिमेनिंग स्लज था उसको हमने पंप कर लिया एक बड़े से टैंक में, जिसको टैंक को क्या नाम बोला गया? एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब ये एनरोबिक स्लज, स्लज का मतलब कुछ नहीं होता, कीचड़ को आप स्लज कह सकते हो ठीक है। तो एनएरोबिक, अभी पीछे आके देखो जरा, देखो ये जो ये सेटलिंग टैंक था, सेटलिंग टैंक से हमने जब आगे की तरफ भेजा है तो आगे की तरफ जो टैंक आया वो हमारा यही आया, ये जो स्लज डाइजेस्टर है ये आया है ठीक है। तो इस टैंक में जो भी हमारा ये एक्टिवेटेड स्लज था, जो भी हमारा ये एक्टिवेटेड स्लज था वो हम यहाँ पर ले आए। अब हम जब यहाँ पर ले आए तो जाहिर सी बात है कि उस एक्टिवेटेड स्लज में ये एरोबिक माइक्रोब्स भी तो आए होंगे। तो इन एरोबिक माइक्रोब्स को हमको वापस नहीं भेजना है। हम क्या कर सकते हैं कि इन एरोबिक माइक्रोब्स को नॉर्मली, इन एरोबिक माइक्रोब्स को क्या कर ले? इन एरोबिक माइक्रोब्स को डाइजेस्ट कर ले कहीं ना कहीं। तो डाइजेस्ट करने के लिए ही हमने इस टैंक का इस्तेमाल करा, इसको बोलते हैं क्या? स्लज डाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्लज डाइजेशन। तो कहते हैं जो रिमेनिंग स्लज होता है उसको बड़े से टैंक में पंप कर देते हैं, उस पंप को कहते हैं क्या? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब एनएरोबिक क्यों बोला गया जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर माइक्रोब्स जो होंगे वो एनएरोबिक होंगे। क्या होंगे?
एनरोबिक माइक्रोब्स होंगे, और एनरोबिक माइक्रोब्स क्या करेंगे, उन बैक्टीरिया और उन फंजाई जो कि स्लज में आए थे एरेशन टैंक से, एरेशन टैंक से हमने फिर इनको भेजा था कहाँ पर, सेटलिंग टैंक में, और सेटलिंग टैंक से फाइनली हमने भेजा इनको कहाँ पर, स्लज डाइजेस्टर में। तो स्लज डाइजेस्टर जो है वो कैसा है, एनरोबिक है, तो यहाँ पर एनरोबिक माइक्रोब्स होंगे या एनरोबिक बैक्टीरिया होंगे जो कि उन एरोबिक बैक्टीरिया और साथ साथ में उस फंगस को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये खत्म हो जाएगा यहीं पर आकर, मतलब जो ये पीछे वाला एक्टिवेटेड स्लज जो ये फ्लॉक बचा था, इस फ्लॉक को डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करने वाले, ये स्लज डाइजेस्टर। और इस स्लज डाइजेस्टर में है क्या, एनरोबिक स्लज बैक्टीरिया, एनरोबिक बैक्टीरिया मौजूद है जो कि क्या करेंगे, इस एरोबिक फ्लॉक को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। खत्म यहाँ पर कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फंजाई एंजाई जो भी हमने फ्लॉक बनाया था, फ्लॉक यहाँ पर खत्म, क्योंकि हमने इनोकुलम के तौर पर तो ले लिया, हमको जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। लेकिन जब ये एनरोबिक बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करेगा यहाँ पर, तो जब कभी भी एनरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ पर कुछ गैसेस भी बनेंगे। अब कुछ गैसेस में जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, देखो यहाँ पर मेथेन बन रही है, नहीं बन रही है, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड है वो भी बन रही है, इसके अलावा CO2, तो ये तीन गैसेज बन रही होंगी मेनली यहाँ पर, ठीक है। अब ये तीन गैसेज के मिक्सचर को नॉर्मली हम कह देंगे क्या, बायोगैस, क्या बोल देंगे, बायोगैस। नॉर्मली किसने बनाई, ऑर्गेनिज्म तो बनाई, नॉर्मली बायोलॉजी के लिए बनी नहीं बनी, तो कहलाएगी क्या, बायोगैस, ठीक है। अब ये जो इफ्लुएंट था, ठीक है, नॉर्मली जो ये इफ्लुएंट था, इस इफ्लुएंट को हम क्या कर देंगे, नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज कर देंगे। मतलब जो अब हमारे पास यहाँ पर बचा, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते, देखो ये मेथेन एथेन बना ली नॉर्मली हमने, देखो मेथेन बन गई, इसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ये ड्राइंग स्लज है, ठीक है, ये फिनिशिंग है, तो उसकी हमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। स्लज डाइजेस्टर के बाद जब वो डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद यहीं पर गैस बन जाती है मेथेन एथेन जो हमने बनानी थी, और इसी के बाद निकलने वाला यहाँ से जो कुछ भी होता है वो सब हम कहाँ पर पास कर देते हैं, वो सब हम लोग रिवर में पास कर देते हैं, जो नेचुरल बॉडीज थी वहाँ पर पास कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर क्या, ऑर्गेनिक मैटर बचा, नहीं बचा, फ्लॉक्स बचा, क्या नहीं बचा, एनरोबिक बैक्टीरिया, उसका क्या काम है, वो तो जाए जाए वहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये फ्लो चार्ट दे रखा है कि जो प्राइमरी एफ्लुएंट था, प्राइमरी एफ्लुएंट क्या था, वही कीचड़ थी जो एरेशन टैंक में आई थी, तो देखो ये एरेशन टैंक में डाला, एरेशन टैंक में कांस्टेंट एजिटेशन हुआ था, ये बात हमने पहले देख ली थी। इसमें एरोबिक बैक्टीरिया थे, फ्लॉक थे, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेते थे, वहीं पर BOD कम हो जाती थी, जब BOD कम हो जाती थी नॉर्मली हम लोग क्या कर लेते थे, इसको सेटल्ड कर लेते थे, देखो यहाँ पे सेटल्ड कर लिया था, सेटल्ड करने के बाद फ्लॉक को फ्लॉक का सेडिमेंटेशन कर लेते निकल लेते, और इसी फ्लॉक को वापस हम लोग एरेशन टैंक में डाल लेते थे इनोकुलम की तरह, है ना। जब फ्लॉक को हमने इनोकुलम की तरह इस्तेमाल कर थोड़ा बहुत ले लिया, लेकिन मैक्सिमम जो बचा उसको हम क्या करेंगे, एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे और डाइजेस्ट कर देंगे। एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या करेंगे, जो एनरोबिक बैक्टीरिया होगा वो इस स्लज को डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करने के साथ साथ ये बायोगैस बनाएगा। इस बायोगैस में हमने क्या क्या देखा, हाइड्रोजन सल्फाइड देखी, साथ साथ में CO2 देखा, और साथ साथ में मेथेन देखी, तो ये क्या थी, ये बायोगैस थी, ठीक है। तो मैंने कहा था फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट आगे होगी, तो हमने फ्लो चार्ट बना दिया था, तो आसानी से आपको ये बात तो यहाँ पर क्लियर ही होगी होगी, ठीक है। और ये जो इफ्लुएंट बचा था, इधर वाला आप देख लो इफ्लुएंट जो बचा था, इस इफ्लुएंट को हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज में भी डाल देते हैं, उठाकर कहाँ डाल देते हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज में उठाकर डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, नॉर्मली हमारा काम इसी से चल जाएगा, ठीक है। आ जाओ अपने अगली स्लाइड पे, नॉर्मली आ जाते हैं, ठीक है, देखते हैं और बिंदास क्या है हमारे पास, ठीक है। ये देखो CVS ट्रीटमेंट का पूरा ओवरव्यू बना रखा है, तो ओवरव्यू बैठ के सस्ते में एकदम सन्नाटे में बैठ के पढ़िएगा अकेले में, ये पूरा देखो ओवरव्यू ऊपर से, मतलब एरियल व्यूज का दे रखा है ऊपर से कि ये कैसे प्लांट दिखते हैं। तो ये देखो ये प्लांट मेरे घर के पास भी है, गोमती रिवर में जो प्लांट गिरता है, ठीक है, लेकिन मैं कभी वहाँ पर गया नहीं, लेकिन कभी जाऊँगा और वीडियो बना के आपको भी दिखाऊंगा कि देखो इस तरह के होते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास हो तो कभी विजिट जरूर करना वहाँ पर, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन CVS ट्रीटमेंट के लिए देखो, ये देखो कैसा गंदा पानी है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपनी आस्था के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, होता ही नहीं होता है, लेकिन हमको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो नेचर है, ठीक है, ये चीज़ों को बनाए रखना चाहता है, और हम क्या करते हैं, उस चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि इस नेचर को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छ और सुंदर जब रहेगा तभी यहाँ पे जीने का मज़ा है, नहीं तो गंदी तो हर चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है, और फॉरेस्ट है, इन्होंने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया था कि वाटर पोल्यूशन से इन वाटर बॉडीज को बचाया जा सके। लेकिन क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये सब गंगा का ही घाट है, नॉर्मली आप देख रहे हो कि किस तरह से उसको गंदा कर रखा है, ठीक है। तो नॉर्मली हर किसी को इस बारे में सोच, आप सब एजुकेटेड हो, नॉर्मली हर बंदे को ये चीज़ों को सोचना चाहिए कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं अपने इस नेचर के साथ, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, याद रखेंगे कि इन्होंने गंगा एक्शन प्लान और इन्होंने यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया था, ठीक है, ताकि वाटर पोल्यूशन से सेव करा जा सके, ठीक है। तो वो खैर हमारी बात यहाँ पर निपट चुकी, सारा सन्नाटा हो चुका।
अब हम लोग देखेंगे कि बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है। ठीक है, बायोगैस में मेनली हम लोग किसको लेके चलेंगे, ये CH4 को लेके चलेंगे, क्योंकि पहली बात हमारी ये हो चुकी थी। ठीक है, पहले भी हम लोग बात कर चुके थे जब बायोगैस हमारी एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में बन रहा था, बना था नहीं बना था बायोगैस, उसमें ये CH4 भी बनी थी, H2S भी बनी थी और साथ साथ में CO2 भी बनी थी, ये सारी की सारी गैसेस वहां पर बनी थी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर नॉर्मली भी बायोगैस प्रोडक्शन के लिए छोटा छोटा प्लांट घर में भी हम लोग बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे आ जाओ। ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन में नॉर्मली देखो बायोगैस मिक्सचर होता है, मेनली उसमें मेथेन होती है, याद रखेंगे इस चीज को कि हाइड्रोजन सल्फाइड तो होती है, CO2 भी होती है, लेकिन मेनली क्या होता है, मेनली उसमें क्या होता है, मेनली उसमें CH4 होता है, मेथेन होती है। ठीक है, अब देखो ये मेथेन प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बैक्टीरिया भी जिम्मेदार होते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या कह सकते हो, मेथेनोजेंस। देखो नाम बहुत आसान सा है, मेथेन को जो जनरेट करें क्या कहलाएंगे, मेथेनोजेंस, नॉर्मल सा नाम है। ठीक है, अब देखो ये मेथेनोजेंस जो होते हैं ये एनारोबिकली, मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिकली ग्रो करते हैं, और मेनली ग्रो किसके ऊपर करते हैं, ग्रो करते हैं सेलुलोज के ऊपर, किसके ऊपर ग्रो करते हैं, सेलुलोज के ऊपर। अब जब ये सेलुलोज को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडाइज करने के दौरान क्या ये नॉर्मली CH4 तो बनाएंगे, उसके अलावा CO2 और हाइड्रोजन गैस भी बना देते हैं। ठीक है, अब ये मेथेनोजेंस आते कहाँ से, मेथेनोजेंस नॉर्मली गोबर के ऊपर मौजूद होंगे, लेकिन गोबर के ऊपर कहाँ से आए, कौन डाल के गया इनको, तो कोई डाल के नहीं गया, नॉर्मली जो ये काऊ की गट होती है उसी काऊ की गट में मौजूद होते हैं, तो काऊ की गट में मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो उसमें मौजूद है, और वहां से जब ये गोबर आएगा तो गोबर के साथ साथ ये भी आ जाएंगे, जब ये आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये उस गोबर पे मौजूद जो सेलुलोज होगा उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनाएगा, मेनली बायोगैस बन जाएगी फिर से। ठीक है, और मेथेनोजेंस का जो यहाँ पर साइंटिफिक नेम है वो नाम दे रखा है मेथेनोबैक्टीरियम, क्या दे रखा है, मेथेनोबैक्टीरियम, लेकिन एक बार पूरा नाम पूछ लिया गया था तो पूरा नाम इनका क्या है, नाम है मेथेनोबैक्टीरियम र्यूमिनेटम, क्या नाम है, मेथनोबैक्टीरियम र्यूमिनेटम, ये याद रखिएगा कि मेथनोबैक्टीरियम र्यूमिनेटम इनका पूरा नाम होता है, ये नीट में पूछ जाएगा सवाल। ठीक है, मेथनोजेंस क्या हो सकता है, मेथनोबैक्टीरियम हो सकता है, उसका पूरा नाम क्या है, मेथनोबैक्टीरियम र्यूमिनेटम, क्यों, क्योंकि वो जो र्यूमिनेंट्स होते हैं जो मतलब जुगाली करते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी है सब जुगाली करती है, तो इनके गट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको र्यूमिनेटम नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो मेथनोबैक्टीरियम होता है ये एनारोबिक स्लज में पाया जाता है। ठीक है, एनारोबिक स्लज जो होती है वहां पर मिल जाएगा, साथ साथ में जो र्यूमेन होता है कैटल का। ठीक है, र्यूमेन कुछ नहीं होता है, ठीक है, र्यूमेन एक पार्ट होता है, र्यूमेन क्या होता है, ये जो कंपाउंड स्टमक होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप जो र्यूमिनेंट्स में देखो, गाय भैंस बकरी और कैमल एमल देखो, तो ये र्यूमिनेंट्स होते हैं, देखो कभी करके मुंह चला रहे, तो सस्ते में शांति में बैठ के ऐसे ऐसे अपना मुंह चला रहे होते हैं, तो जो मुंह चलाते हैं वो कुछ नहीं होता, वो जुगाली, उसको कहते हैं र्यूमिनेशन, क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन, तो र्यूमिनेशन करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया क्या, र्यूमिनेंट। ठीक है, अब देखो जो र्यूमेन होता है कैटल का वहां पर नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है, कंपाउंड स्टमक है, तो नॉर्मली कंपाउंड स्टमक की आपके कोर्स में कोई डिटेल स्टडी नहीं, नॉर्मली बता दिया गया कि कंपाउंड स्टमक होता है। ठीक है, और कंपाउंड स्टमक में एक ये भी पार्ट होता है, ठीक है, र्यूमेन भी पार्ट होता है। ठीक है, इसलिए र्यूमेन यहाँ पर नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब देखो जो बायोगैस जो होती है ये मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्बस्टेबल होती है, जल सकती है, तो इसलिए खाना पकाने में और लाइटनिंग में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बायोगैस का क्या काम है, आप भी कर सकते हो, घर में गोबर उबर इकट्ठा करो और स्लरी उसका बनाओ, स्लरी बना के चैम्बर बनाओ, चैम्बर बना के उसमें फिट करो, और फिट करने के बाद वहां से धड़ाधड़ गैस निकालो, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत आसान है कि आपने यूट्यूब पे देखा और बनाना सीख लिया। ठीक है, इसके लिए भी भैया ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सस्ते में मत लीजिएगा इन सब चीजों को, तो बायोगैस को इस्तेमाल कर लेंगे कहाँ पर, कुकिंग और लाइटनिंग में। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि तरीका थोड़ा सा हटके हम लोग लेके चल रहे हैं, बहुत दिनों से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, लेकिन अब हम लोग इस तरह से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, घर पे बैठे तो घर पे बैठ के क्या करेंगे, आपको ही पढ़ाएंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो खैर अच्छा लग रहा हो तो भैया लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चैप्टर जल्दी से खत्म भी होने वाला है, क्योंकि माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, इसके सवाल जो थे, सवाल 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 पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके सवाल जो होंगे, सवाल हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी के जस्ट अगले लेक्चर में, ढेर सारे इसकी PPTs बना लेंगे, 50-100 सवाल बना लेंगे, और धड़ाधड़ उसको 1 घंटे हम लोग खत्म कर डालेंगे, चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा बोर्ड के हिसाब से भी और नीट के हिसाब से भी। ठीक है, इतमान करना बैठ के चैप्टर, उसके बाद कोई सवाल, इतने सवाल कराएंगे उसके अलावा एक सवाल भी मत पढ़ना, इतने सवाल पढ़ाते उसी के अंदर सवाल आने वाला है, उसके अलावा कोई बाहर सवाल आएगा ही नहीं, गारंटी। ठीक है, अब देखो ये जो बायोगैस हमने कुकिंग और लाइटनिंग में इस्तेमाल कर ली, ठीक है, तो जो गोबर ओबर होता है, ठीक है, गोबर में भी ये बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो गोबर में अगर बैक्टीरिया, तो गोबर को इस्तेमाल कर सकते, नहीं कर सकते, तो गोबर को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इस मेथेन को बनाने में, इस मेथेन को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसीलिए मेथेन से बन के, सॉरी गोबर से जब ये बन के आएगी मेथेन, तो इसी को कहेंगे क्या, इसी को कहेंगे गोबर गैस, क्या कहेंगे,
गोबर गैस। तो गोबर गैस आइयो आपको समझ में आ गई। गोबर गैस में मेनली क्या होता है, गोबर गैस में मेनली भैया CH4 होगा, ठीक है। तो बायोगैस, गोबर गैस, CH4 सब एक ही चीज है, ठीक है। अब देखो बायोगैस प्रोडक्शन में चल रहा था, लेकिन एक बायोगैस प्लांट का छोटा सा पार्ट दिखा देते। ये एनसीईआरटी में भी आपकी बना होगा, ये एनसीईआरटी में भी आपकी बना होगा, तो इतना से देख लीजिएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी तोप तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। एक कंक्रीट का टैंक बनाते हैं, कंक्रीट का टैंक आप देख रहे हो नीचे, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये कंक्रीट का टैंक है, ठीक है। इस कंक्रीट का टैंक जो होता है लगभग 10 से 15 फीट का होता है, ठीक है। अब ये 10 से 15 फीट का जो होता है, ठीक है, इसमें बायो वेस्ट डालते हैं हम लोग, मतलब गोबर ओबर जो होगा वो सब डालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो ये डंग अंग है, मतलब डंग वाला नहीं है, डंग मार दिया, ठीक है। डंग मतलब होता है गोबर, ठीक है। गोबर ओबर पानी मिलाएंगे तो पानी मिला के बनेगा क्या, ये बनेगा स्लरी। क्या बनेगा, स्लरी। तो ये स्लरी कहाँ गया, स्लरी गया अंदर, ये देखो अंदर उतर गया, नहीं उतर गया। अब ये उसके ऊपर आप ये देख रहे हो, ये इस तरह से है कि इसकी फ्लोटिंग कवरिंग है, ठीक है। ये फ्लोट करती है, मतलब हवा में आ जाती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक तरह का गैस होल्डर भी होता है, इसको आप गैस होल्डर भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब ये गैस नहीं बनी होगी तब ये नीचे होगा, लेकिन जैसे जैसे गैस बनेगी तो ये पिस्टन की तरह ऊपर उठना शुरू होगा, ऊ करके ऐसे ऐसे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो ये फ्लोटिंग होता है, तो इससे पता चलता है कि भैया गैस बन गई, क्योंकि जब उठेगा तो गैस बनेगी नहीं बनेगी। आप घर में कभी किसी डब्बे पे कर सकते हो, कोई डब्बा लेना, उस डब्बे में गोबर भर दे, उसको बंद कर देना एकदम टाइट, और देखना कि यार धीरे 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 फूल जाएगा। तो फूलेगा तो समझ में आएगा कि आपको बन गई गैस, बन गई गैस। कौन सी बनी गई, गोबर गैस। उसी तरह से ये उसके ऊपर जो ये फ्लोटिंग कवर रखा है, जैसे को गैस होल्डर कह सकते हो, तो ये इसके ऊपर ऐसे हो, ये ऐसे से फ्लोट करता है, मतलब जैसे से नीचे से गैस बनेगी, चैम्बर और नीचे कॉन्क्रीट का उसके ऊपर ये पड़ा हुआ है, तो जैसे से गैस बनेगी तो ये धीरे 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 फ्लोट करेगा, ऊपर ऊपर उठना चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जब उठेगा तो उसके लिए हम लोग एक आउटलेट भी लगा लेते हैं, तो ये आउटलेट हो जाता है, ठीक है। तो आउटलेट क्या करेगा, ये मतलब गैस है इसको निकालने में इस्तेमाल हो जाता है। और एक आउटलेट और होता है कि यहाँ पर जो कीचड़ बचती है, जो ये कीचड़ बचेगी, मतलब अभी जब डंग वंग इस्तेमाल हो गया तो कीचड़ को निकाल लिया जाएगा, तो कीचड़ जो होगी उसको इस्तेमाल कर लेंगे कहाँ पर, कंपोस्ट बनाने में। कहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब जो मतलब खाद आद होती है, मैन्योर जो होता है, ठीक है, मैन्योर बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो मैन्योर बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो फ्लोटिंग कवर होता है ये स्लरी के ऊपर होता है, ठीक है, और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे इसके ऊपर बायोगैस बनती रहेगी। तो ये यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दे रखा है, ये आप नॉर्मली देख लो, कह लेंगे द फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द बायोगैस इज प्रोड्यूस, ठीक है। और ये आउटलेट दे रखे हैं, ठीक है, थीके? तो आउटलेट जो होता है ये बायोगैस की सप्लाई के लिए। तो देखो ये गैस यार ये घरों घरों में जाएगी, ये घर घर में जाएगी गैस, ठीक है, ये घर घर में जाएगी। और क्या, वहां पे जाके ये चूल्हा जलेगा, ठीक है, चूल्हा जलेगा, पतीली लगाओ, खाना पकाओ नॉर्मली, ठीक है। और एक आउटलेट और होता है कि जो स्लरी होती है उसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद किसके तरह इस्तेमाल कर लेंगे, मैन्योर की तरह, मतलब देखो फर्टिलाइजर की तरह क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो खेतों में इस्तेमाल हो जाएगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है नॉर्मली, ठीक है। तो बायोगैस प्रोडक्शन में ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और साथ साथ में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, ठीक है, KVIC, ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछा गया था नीट में कि KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है घर में गैस बनाने के लिए। तो देख लो ये चैम्बर यहाँ पर बने, आप भी अपने घर में चैम्बर बनवा के गैस निकाल सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और इस बेकार से और बर्बाद हो रहे गोबर को आप बायोगैस बना सकते हो, ठीक है, जो फ्री का मिलता है, ठीक है। अब देखो भैया ये माइक्रोब्स देख लो भैया, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी इस्तेमाल करा जाता है इनको, जरा इनकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब देखो बायो कंट्रोल एजेंट या बायो कंट्रोल क्या होता है, पहली बात तो उसको सुनो। देखो बायो कंट्रोल तो नॉर्मली हम लोग करेंगे, इसमें लोग किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करने वाले, किसी भी मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे होती है उस तरह से, मतलब इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी क्रॉप होगी उसको भी हार्म कम पहुंचेगा, और हम लोगों को भी हार्म कम पहुंचेगा, क्योंकि हम लोग भी तो उसी क्रॉप को खाने वाले हैं ना। तो जरा देखो कि क्या है, कहेंगे बायो कंट्रोल इज यूज्ड ऑफ अ बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। तो बायो कंट्रोल एक तरह का इस्तेमाल है, मतलब बायोलॉजिकल मेथड है किसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है इस्तेमाल करते हैं। इस एग्जांपल के तौर पे दे रखा है, यहाँ पे देखो आपने दे रखा है लेडी बर्ड दे रखी है, दे रखा है ना, लेडी नहीं है वो, लेडी बर्ड उसका नाम दिया रखा है, मतलब रेड रेड्स की होती है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक से स्पॉट होते हैं, अक्सर आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, फ्लावर व्लावर पे मंडरा रही होती है, ठीक है। तो ये बीटल है एक तरह का, ठीक है, तो ये एफिड्स एफिड्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। इसके अलावा इधर देख रहे हो कि ये ड्रैगन फ्लाई, देखिए देखिए ड्रैगन फ्लाई, अब ड्रैगन तो नहीं है उड़ता हुआ ड्रैगन, वो ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ड्रैगन फ्लाई सभी ने देखी होगी, सबको पता होगा, अच्छे बच्चे हैं सब, ठीक है। तो ये मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर क्या किसी केमिकल का इस्तेमाल करा इनको कंट्रोल करने के लिए, नहीं, हमने एक बायोलॉजिकल मेथड अपनाया। अब इस बायोलॉजिकल मेथड में हमने कुछ ऑर्गेनिज्म को ही लिया जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट थे, और इस्तेमाल करके हमने क्या कर लिया, अपनी क्रॉप को बचा लिया, ठीक है, और नुकसान जो सॉइल को होने वाला था
पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड से हमको जो होने वाला था उससे भी हम लोग नॉर्मली बच गए। ठीक है, अब देखो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं और इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये यूजफुल और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म दोनों को निपटा देते हैं। ठीक है, तो इसका कोई मतलब बायो कंट्रोल मेथड जो होता है उसमें ये परेशानी हमको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि देखो हमें जो यूजफुल था लेडी बर्ड थी, हमें यूजफुल था ड्रैगन फ्लाई, क्या हमने इसको मारा? नहीं मारा। लेकिन अगर हमें मॉस्किटोज को कंट्रोल करना था, एफिड्स को कंट्रोल करना था, तो हमने उनको खत्म करा, तो हमारे यूजफुल ऑर्गेनिज्म तो नहीं खत्म हुए, जो हार्मफुल थे हमने उनको खत्म करा। लेकिन जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इनसे दोनों ही निपट जाते हैं, मतलब यूजफुल भी जाएंगे और हार्मफुल भी जाएंगे, और सॉइल को नुकसान अलग, सॉइल पोल्यूशन अलग हो रहा है, और हम भी तो खा रहे हैं उसको, तो हमें भी नुकसान अलग होने वाला है। लेकिन जो बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल मेथड जो होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें यूजफुल हमारा बचा रहता है और हार्मफुल को हम निपटा देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सटीक मेथड है, इसको हर किसी को अप्लाई करना है, हर किसान को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करना चाहिए। ठीक है, जरा देखो बायो कंट्रोल एजेंट में और भी चीजें हैं, जैसे कि बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस का नाम आप सभी ने सुना होगा, बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस, जरा बना रखा है हमने, देख लीजिए भाई। ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीटी नहीं बीटी कहते हैं, क्या कहते हैं? बीटी। ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस याद करने में मुझे भी 3 दिन लग गए थे, लिख लिख के याद करते, मैं 12th क्लास में था तो उसको लिख लिख के याद करता था, मुझे हाथ पे एकदम मेहंदी लगा लेता था नॉर्मली। ठीक है, यहाँ तक पूरी मेहंदी लगी हुई है, लग रहा शादी में जा रहे हैं। ठीक है, अपनी तो याद करने के कई तरीके होते हैं, तो कैसे आप इसको याद करोगे तो नॉर्मली डिपेंड करता है आपके ऊपर, कि आप कितना कंसिस्टेंस हो, आप कितना मतलब अपने मतलब स्टडी को लेकर कितना पैशनेट हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो ना देखो कि बटरफ्लाई की जो कैटरपिलर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, देखो बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स जो होते हैं ये नॉर्मली पत्तियों होती है वो खा जाते हैं, तो अगर ये पत्तियों होती है वो खा जाएंगे तो ये बताओ नुकसान होगा नहीं होगा क्रॉप का? अब क्रॉप वहां पर जहां पर एसेंशियल पार्ट पत्ती ही थी, मतलब मार्केट में पत्ती ही बेचनी थी, या मार्केट में से के पालक खाते हो, ठीक है, सरसों का साग खाते हो, चौलाई खाते हो, तो ये सब चीजें क्या है? सब तो पत्तीदार चीजें, तो ये सब खाते हो, तो अगर ये इनको ही खा लेगा तो नुकसान होगा नहीं होगा? और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी तो रिड्यूस होगा, अगर ये पूरे प्लांट में लग गया तो सारी पत्ती तो खा जाएगा, तो प्लांट की तो डेथ हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए हमने एक तरीका अपनाया, तरीका क्या है? ये भी एक बायोलॉजिकली मेथड है, ये एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को निपटा देगा, तो ये बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस है। इसकी बात हम लोग जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसकी हम लोग जरूर बात करेंगे, तो अभी हम लोग सिर्फ छोटी सी बात करेंगे बीटी के बारे में, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस के जो स्पोर्स होते हैं वो छोटे छोटे सैचेस में, छोटे छोटे पैकेट्स में अवेलेबल होते हैं, हम लोग क्या करते हैं पानी में मिलाते हैं, और पानी में मिलाने के बाद जो प्लांट जिसको हमें बचाना होता है, ठीक है, उस पर स्प्रे कर देते हैं, तो स्प्रे, अब वो पत्ती वाला पेड़ हो, फ्रूट वाला पेड़ हो, जैसा भी पेड़ हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें जिस पेड़ को बचाना होगा उसी पे स्प्रे करेंगे, और जिस पे कैटरपिलर लगने की संभावना उस पे, ये नहीं कि किसी पे भी स्प्रे कर दिया, कैटरपिलर लगता ही नहीं वहां पर, लगा दिया अपने ही ऊपर स्प्रे कर लिया, ये सब नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मली उन प्लांट पे स्प्रे करना है जहां पर कैटरपिलर ये होने की संभावना है। तो जब कैटरपिलर उस पत्ती को खाएगा और उस पत्ती पे किसके स्पोर पड़े? बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस के, और बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस से निकलने वाला जो केमिकल होता है वो केमिकल अल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट हो जाता। नॉर्मल जब बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस के अंदर वो रहेगा तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अल्कलाइन मीडियम में पहुंचता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और अगर वो एक्टिवेट हुआ तो क्या करेगा कि अल्कलाइन मीडियम, आपको मालूम होगा कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में अल्कलाइन मीडियम कहाँ का होता है? गट का ही तो नॉर्मली होता है, स्टमक को छोड़ दो बाकी सब जगह मेनली अल्कलाइन हो जाता है, स्टमक मुंह को छोड़ दो अपने स्लाइटली एसिडिक होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जब गट में पहुंचेगा तो वो केमिकल जो बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस से निकलने वाला है वो क्या होगा? वो स्टिमुलेट हो जाएगा, काम करने लगेगा। जब काम करेगा तो ये उसकी गट में छोटे 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 छेद बना देगा, तो उसकी डेथ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो कैटरपिलर तो निपट गया लेकिन हमारी क्रॉप बच गई नहीं बच गई? लेकिन हमने किसी केमिकल का इस्तेमाल करा गया? नहीं करा, हमने तो सिर्फ एक माइक्रोब का इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्मली हम लोग ऐसा करते हैं। तो जो ड्राइड स्पोर होते हैं जो अवेलेबल होते हैं छोटे छोटे सैचेस में, हम लोग उसको पानी के साथ, देखो पानी के साथ मिक्स करते हैं और स्प्रे कर देते हैं, स्प्रे करते हैं उस प्लांट पे जो वल्नरेबल है, मतलब जिसको हमें बचाना है। ठीक है, जैसे कि ब्रासिका रासिका हो गए, सरसों वरसों हो गई, फ्रूट ट्रीज हो गए, तो इन सबको। ठीक है, अब ये स्पोर जो होंगे जब वो कैटरपिलर उसको खाएगा तो उसकी गट में जब पहुंचेगा तो उसका टॉक्सिक रिलीज होगा और लार्वा जो हो जाएगा, लार्वा निपट जाएगा, और हमने समझा दिया कि वो किस तरह से निपट जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने मतलब इस जीन को, मतलब जो बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस के अंदर जो जीन होता है, वो जीन, वो जो इस केमिकल को बनाता है, हमने इंट्रोड्यूस करा दिया एक प्लांट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब वो कराया किस प्लांट में? वो कराया हमने कॉटन में। तो कॉटन में अब हर सेल में वही जीन मौजूद है जो बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस में उस केमिकल को सेक्रीट करता था। तो अब अगर कोई कैटरपिलर
उसकी पत्ती को खाएगा नॉर्मली। अभी हमने स्प्रे नहीं करा, अब तो उसके सेल में ही मौजूद, उसके जीनोम में ही मौजूद है। तो अब अगर कैटरपिलर उस कॉटन के फल को या कॉटन के नॉर्मली पत्ती को खाएगा, तो वो पत्ती उसके स्टमक मतलब उसके गट में गई, गट में गई तो उसके जीनोम भी तो पूरा पूरा गया। तो वो जीनोम क्या करेगा, केमिकल सेक्रेट कर सकता, नहीं कर सकता, वो करेगा ही, नॉर्मली लीफ में मौजूद है वो केमिकल, अंदर ही उसके सेल में मौजूद है। तो कैटरपिलर की गट गई, निपट गई, कैटरपिलर भी निपट गया। तो राजा को क्या हमने स्प्रे करा, यहाँ पर नहीं करा, हमें तो सीधा सीधा जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इंट्रोड्यूस करा दिया जीनस के अंदर, ठीक है। तो ऐसी कॉटन जो बनाई गई थी सबसे पहले वो कहलाती थी क्या, बीटी कॉटन। क्या कहलाती थी, बीटी कॉटन, ठीक है। लेकिन इसके बाद और भी तमाशा लोगों ने करा, बीटी ब्रिंजल बना दी, बीटी लेडी फिंगर बना दी, बीटी पोटैटो बना दिया, बीटी टोमेटो बना दिया, सब बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब हार्मफुल है। ये देखो कॉटन क्या कोई खाता है क्या, कॉटन आप खाते हो, मैं भी नहीं खाता, आप भी नहीं खाते हो। तो कॉटन तो इस्तेमाल होती है कपड़े वपड़े बनाने के लिए, रुई हुई बनाने के लिए नॉर्मल। लेकिन अभी हमने क्या कर लिया, हमने इन सब चीज़ों को वहां पर भी इस्तेमाल कर लिया जहां पर चीजें हम लोग खाते हैं। तो ये बताओ क्या अल्टरनेटली क्या इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारी भी तो गट कैसी अल्कलाइन होती नहीं होती है, तो इफेक्ट करेगी लेकिन कम लेवल पे करेगी, इसलिए मार्केट में धलल्ले से सब बेचना शुरू कर दिया। लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था नॉर्मली, ठीक है। अब देख लो बायो कंट्रोल एजेंट में मतलब रूट इकोसिस्टम में भी आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो रूट इकोसिस्टम में से कि फंगस का नाम है क्या, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की कई स्पीशीज होती हैं, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, उसको हम लोग रूट इकोसिस्टम में भी देख सकते हैं, कहेंगे दे आर सीन इन द रूट इकोसिस्टम। तो रूट में देखो ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो सेवरल प्लांट पैथोजेंस होते हैं जो कि प्लांट की रूट को इफेक्ट करते हैं, तो ये ट्राइकोडर्मा क्या करता है, उन पैथोजेंस से इन रूट्स की रक्षा करेगा, बचाएगा। तो बचाएगा तो रूट अगर जिंदा रहेगी तो पूरा पूरा प्लांट जिंदा रहेगा। तो याद रखिएगा कि ट्राइकोडर्मा जो कि फंगस होती है, रूट इकोसिस्टम में जिम्मेदार होती है, ठीक है, रूट्स को सेव करने के लिए, कुछ पैथोजन से बचाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ट्राइकोडर्मा की बात हो गई, ठीक है। बैक्यूलो वायरस की बात कर लेंगे, ठीक है, या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जो होता है, जिसको हम लोग स्पेशली मतलब जीनस हमने बोल दिया सीधा सीधा उसका नाम, तो ये बैक्यूलो वायरस इधर बन रखा है, ठीक है। तो बैक्यूलो वायरस को देख लो भाई, तो बैक्यूलो वायरस की कहानी कुछ ऐसी है, ये इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड पे अटैक कर देता है। क्या करता है, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड पे अटैक करता है। इट इज सूटेबल फॉर द स्पीशीज स्पेसिफिक, ये हर स्पीशीज को हार्म नहीं करेगा, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो मेनली स्पीशीज स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि एचआईवी वायरस ह्यूमन में होता तो गाय भैंसों भी होने लगा, कुत्तों को भी होने लगा एचआईवी वायरस, ऐसा होता है क्या, ह्यूमंस में है तो ह्यूमंस में इफेक्ट करेगा या सबको इफेक्ट कर देगा क्या। कोरोना है, कोरोना नॉर्मली आप देख रहे होगा कि नॉर्मली किसको इफेक्ट कर रहा है, ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहा है, सबको इफेक्ट कर रहा है क्या, कि चिड़िया भी कोई अस्पताल में पड़ी हुई, कोई कुत्ता भी ऑक्सीजन लगाया बैठा हुआ है, नॉर्मली उसको भी सांस में दिक्कत हो रही है, उसको भी कोरोना हो गया, कोविड हो गया, सिम्टम्स दिख रहे हैं, ऐसा है क्या। तो वायरस जो होते हैं वो क्या होता है, स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं। तो ये जो बैक्यूलो वायरस है ये भी क्या होगा, स्पेसीज स्पेसिफिक होगा, ये सभी आर्थ्रोपोड या सभी इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये एक तरह के नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होते हैं, ठीक है, या नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जो डिजायरेबल होती हैं। क्या होती हैं, डिजायरेबल होती हैं, ठीक है। तो ये हम लोग नॉर्मली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इनको इस्तेमाल कर लेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में IPM कहते हैं, ठीक है। और बेनिफिशियल इंसेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिलेक्टेड को पहुंचाएगा, हमको जहां पर इस्तेमाल करना होगा वहीं पर इस्तेमाल करेंगे। बाकी इसका पूरा ये जीनोम वीनोम का हिसाब दे रखा है कि ये दिखता कैसा है, ठीक है। ये देखो ये इसका बैक्यूलो वायरस बना रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये नॉर्मली दे रखा है इसके बारे में, ठीक है, उसकी क्लूजन बॉडीज दे रखी हैं, क्लूजन वायरस दे रखा है, ठीक है, बडेड वायरस दे रखा है, ठीक है। तो ये ढेर सारे इसका दे रखा है, इतना खैर इसको आपको यूज़ नहीं, आपको सिर्फ इसकी बात याद रखनी है, ठीक है। अब भैया देख लो, ये बायो फर्टिलाइजर के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर के तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे जरा देख लो, बस ये खत्म ही होने वाला, छोटा सा बचा था, निपट जाएगा। बाकी हमने कहा था इसके सवाल जो होंगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है, आई होप, ठीक है। तो 50 से 100 मैंने सवाल बता दें, नॉर्मली PPT बनाएंगे और चलते चलेंगे खटाखट सॉल्व करते हुए, ठीक है। हर सवाल का कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तभी जब आपने दोनों लेक्चर पीछे के देखे होंगे, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है, यार बायो फर्टिलाइजर्स द ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। भाई वो चीज देखो, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं आपको मालूम होगा, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, अभी बायो फर्टिलाइजर्स, बायो यहां पर आया इसका मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बात होने लगी है, ठीक है। तो वो फर्टिलाइजर्स जो लिविंग हो मतलब ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, और वो सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा दे, बढ़ाएंगे कैसे, न्यूट्रिएंट्स को उसमें बढ़ाकर। तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देंगे तो सॉइल की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। तो ऐसे फर्टिलाइजर जो कि लिविंग हो और साथ साथ में सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा दें बाय एनरिचिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स। अब वो बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, और साथ साथ में साइनो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, क्या राइजोबियम का नाम सुना होगा, पूरा नाम इसका बोल दे रहे हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। क्या राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम, ठीक है। नॉर्मली आप राइजोबियम यहाँ पे देख रहे हो,
एक तरह का ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के सिम्बायोटिक का मतलब समझते हो गए, अब जब स्पीशीज पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पढ़ोगे तो उसमें बताएंगे हम, ठीक है, क्या होता है, पहुंचेंगे तो वहां पर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन वहां पर दो ऑर्गेनिज्म जो कि साथ साथ में रह रहे हो और एक दूसरे को बेनिफिट दें, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, वो कहलाते हैं क्या, सिम्बायोटिक, और ऐसा एसोसिएशन कहलाता है क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट जो दाल आल की फैमिली होती है, दाल की फैमिली, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, जैसे कि मटर का पौधा है, अरहर का पौधा है, ठीक है, मूंग का पौधा है, तो ये सब क्या है, तो ये सब लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ठीक है। तो चना वना है तो लेग्यूमिनस हो जाएगा, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में रहेगा, अब लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में रहेगा तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होगी उसको फिक्स करेगा। आपको सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है किसको बनाने के लिए, अमीनो एसिड को बनाने के लिए, किसके लिए होती है, अमीनो एसिड को बनाने के लिए जरूरी होती है। तो अगर नाइट्रोजन सफिशियंट है तो अमीनो एसिड भी ज्यादा होंगे, यही वजह है कहते हैं कि जो दाल होती है मांस के बाद जो प्रोटीन होता है वो कहाँ मिलेगा, वो आपको दाल सोयाबीन और चने में मिलेगा नॉर्मली, है ना। तो इसीलिए देखो लेग्यूमिनस प्लांट में मौजूद है, इसीलिए उसमें जो अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, वो ज़्यादा इसलिए होते हैं, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, कि राइजोबियम कहाँ पर रह रहा होगा, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को क्या करेगा, फिक्स करेगा, ठीक है, जिससे अमीनो एसिड ज़्यादा बनेंगे और प्रोटीन भी क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। इसके अलावा कुछ फ्री लिविंग भी है, मतलब जिनको किसी से सरोकार नहीं होता, नल्ले एकदम घूम रहे होते हैं, एकदम अकेले अकेले घूम रहे हैं, लेकिन काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सॉयल में मौजूद होंगे, फ्री लिविंग बैक्टीरिया के सॉयल में मौजूद होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है एजो स्पायरलम और एजो बैक्टर, याद रखिएगा एजो स्पायरलम और एजो बैक्टर, दीज आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉयल, ठीक है, जो कि नाइट्रोजनस कॉन्टेंट को सॉयल में बढ़ा रहे होंगे, मतलब नाइट्रोजन की कमी जो होगी सॉयल में वो पूरी कर रहे होंगे, लेकिन इनको किसी से कोई सरोकार नहीं है, ये किसी के साथ जुड़े नहीं होंगे, सिर्फ सॉयल में पड़े होंगे, इसलिए इनको बोला गया क्या, फ्री लिविंग बोला गया, ठीक है। अब देख लो माइकोराइजा का देख लो, ठीक है, माइकोराइजा में आपने देखा होगा जो पाइनस की रूट होती है, ठीक है, पाइनस की रूट में मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, पाइनस की रूट में नॉर्मली आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो पाइनस की रूट में आप इसको नॉर्मली देख सकते हो, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ये भी माइकोराइजा कुछ नहीं, एक फंगस है, क्या है, ये एक फंगस है, ठीक है। किसके साथ होगा, प्लांट के साथ होगा, लेकिन प्लांट में नॉर्मली किसके साथ होगा, पाइनस के रूट के साथ होगा, ठीक है। अब देखो ये प्लांट जो मतलब जो ये फंगस है, ये क्या करेगा, ये पाइनस की रूट को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में, वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, और पाइनस क्या करेगा, बदले में इसको खाना देगा, रहने की जगह देगा। तो हो गया, नहीं हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये माइकोराइजा इसी तरह से रह रहा होता है, ठीक है, कहेंगे जो फंगस होता है इसको खाना मिलता है प्लांट से, और प्लांट को क्या क्या देगा, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करवा के दे देगा, ठीक है। तो कहते हैं जो फंगल सिम्बायोटिक परफॉर्म, मतलब सिम्बियॉन्ट जो होता है, ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा, या कुछ स्टेप्स जो हैं वो हम नॉर्मली आपको डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्या करेंगे, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इनटू द प्लांट। देखो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट में क्या कर देगा, पास कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो रूट बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, उनसे रूट को बचाएगा, मतलब रूट में जो पैथोजन लग सकते थे उनसे रूट को बचाएगा, और साथ साथ में जो सैलिनिटी होती है सॉइल में, जो सैलिनिटी सॉइल में जो नमक की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, सैलिनिटी जब बढ़ जाएगी तो उससे भी रूट को बचाएगा, और साथ साथ में सूखा जब पड़ेगा, ड्रॉट कंडीशंस जो होती है, तो ड्रॉट कंडीशंस में भी क्या करेगा, ये प्लांट को बचाएगा। जरा देखो इतने सारे वो काम कर रहा है कि नहीं है, तो है कि नहीं है यूजफुल, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कितना अच्छा है, ठीक है। तो कह रहे हैं गिव ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, तो प्लांट की ग्रोथ और प्लांट के डेवलपमेंट दोनों में ये धड़ाके से मदद करने वाला है, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। कई जगह पर इसका सवाल पूछा गया, ठीक है। आ जाइए साइनोबैक्टीरिया पे आ जाते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया मेनली क्या होते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, याद रखेंगे। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं, अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी है, एनसीईआरटी भी इस बात को मेंशन करती है, मेंशन कब करती है, जब आप फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तब भी ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी आपको बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आर द ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इनके एग्जांपल दे रखे हैं कि एनाबीना है, नॉस्टॉक है, और ऑसिलेटेरिया है, ठीक है, ऑसिलेटोरिया, सॉरी ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक और एनाबीना नॉर्मली इनके एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, भूलने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा है कि साइनोबैक्टीरिया नॉर्मली बीजी है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स, क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल क्या, एनाबीना है, नॉस्टॉक, और साथ साथ में ऑसिलेटोरिया है। अब पैडी फील्ड जो होती है, पैडी फील्ड मतलब जो धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, वहां पर साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये बायो फर्टिलाइजर के तौर पे वहां पर सर्व करे जाते हैं, इस्तेमाल करे जाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर भी क्या करेंगे, सब सॉइल में इंक्रीज कर देंगे, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि हमने साइनोबैक्टीरिया की बात कर ली, माइकोराइजा की बात कर ली, इसके अलावा राइजोबियम की बात कर ली, तो कई सारी चीजों की हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।
और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलना। ऐसे लेक्चर आगे के मिलते रहेंगे, रोज अपलोड होते रहेंगे, रोज आपको मिलते रहेंगे। आप ये चैप्टर भी पूरा देखो, दो ही शॉर्ट में मैंने फिनिश कर दिया, और कुछ चैप्टर होंगे जो मैं वन शॉर्ट में भी फिनिश कर दूंगा, और साथ साथ में क्वेश्चंस भी लगवा दूंगा। ठीक है, हो सकता है कल ही इसके लेक्चर्स के क्वेश्चंस भी अपलोड हो जाएं। और मैंने बोला 50 से 100 क्वेश्चन लगभग होंगे, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे सवाल आपके उसी से हल हो जाएंगे। ओके, सो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना जरूर कि आपको कैसा लगा, कहाँ पे कौन से टॉपिक जो आपको सही से समझ में नहीं आए। तो अगर आप मुझे अपना इसी तरह से कमेंट सेक्शन में बताते रहोगे कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, तो आई होप मैं आपकी और मदद कर पाऊँ इस चीज में। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।